सैनिक बलों की 4 कंपनियां मांगी गई हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर यह मांग की है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी को जमकर हिंसा हुई। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पत्थर चलाए गए, लेकिन अब सरकार और प्रशासन ने पत्थरों का जवाब देने की तैयारी कर ली है। दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भरोसा दिया है कि पत्थरबाजों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि भविष्य के लिए मिसाल बन जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर पहुंचकर लोगों का हौसला बढ़ाया और अपना सख्त रवैया अख्तियार कर लिया। पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो उपद्रवियों को दिन में तारे नजर आने लगे। हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता, ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं है। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। अवैध निर्माण पर होगा बुलडोजर अटैक। उत्तराखंड में चलेगा बाबा का फॉर्मूला। देश जानता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में कैसे सूबे से अवैध कब्जा करने वालों के होश ठिकाने लगा दिए। देश जानता है कैसे उत्तर प्रदेश में योगी ने उपद्रवियों और बदमाशों के होश फाख्ता कर दिए। देश जानता है कि आज की तारीख में गुंडे बदमाशों को सपने में भी बाबा का बुलडोजर याद आता है। वो बुलडोजर जो ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ एक प्रतीक बन गया है, तो भला देवभूमि के उपद्रवी कैसे बच जाएंगे। हल्द्वानी में उपद्रवियों पर भी यूपी की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार तैयारी कर चुकी है, प्रशासन तैयार है, इसलिए अवैध कब्जा करने वाले सावधान। अब पुष्कर सिंह धामी बाबा का बुलडोजर लेकर आ रहे हैं। The bulldozers will not be used, you know, just for the sake of using bulldozers. हमें जरूरत पड़ेगी तो जरूर करेंगे। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव कैसे होगा? जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर, नजूल की भूमि पर अतिक्रमण किया है, तो उसको पूरे विधिवत तरीके से अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो बुलडोजर के बिना कैसे चलेगा? चलाना पड़ेगा। हल्द्वानी में हिंसा और उपद्रव के बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सभी धार्मिक स्थलों के आसपास पुलिस और पीएससी के जवानों की तैनाती है। सूबे की सीमा से सटे इलाकों में भी पुलिस टीमें तैनात कर दी गई हैं, तो ड्रोन कैमरों से निगरानी भी की जा रही है। पुलिस एक एक सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और लगातार अपनी कार्रवाई को सख्ती से आगे बढ़ा रही है। 18 नामजद, 5,000 के खिलाफ मामला दर्ज, 6 करोड़ के नुकसान का अनुमान। NSA UAPA के तहत कार्रवाई, दंगाइयों से नुकसान की वसूली। 7 जोन में बांटा गया बनभूलापुरा। 7 मजिस्ट्रेट तैनात, ADM होंगे नोडल अफसर। हल्द्वानी में फिलहाल तनाव का माहौल बना हुआ है। हालांकि कई इलाकों में कर्फ्यू में छूट दी गई है। पुलिस ने 5,000 के खिलाफ केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ प्रशासन, NSA और UAPA के तहत कार्रवाई की तैयारी कर चुकी है। गौर से देखिए इस चेहरे को, सिर पर टोपी, चेहरे पर सफेद दाढ़ी। नाम अब्दुल मलिक, वो शख्स जो हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड है, वो शख्स जिसके इशारे पर हल्द्वानी को आग में झोंक दिया गया। पुलिस की जांच में ये सामने आ चुका है कि अब्दुल मलिक ही वो शख्स है जिसके इशारे पर इस हिंसा को अंजाम दिया गया। अब्दुल और उसका बेटा पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, जबकि पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता के भाई को भी हल्द्वानी हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको एक बार फिर बता दें कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बनभूलपुरा में अवैध मदरसा और मस्जिद को हटाने को लेकर उपद्रवियों ने हिंसा को अंजाम दिया। उपद्रवियों की हिंसा की आग में झुलसे हल्द्वानी से फिलहाल कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन घटना वाले इलाके बनभूलपुरा में ये कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी है, जबकि मामले की मैजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश भी दिए गए हैं। सुरेंद्र डसीला के साथ शिवांग मिश्रा, हल्द्वानी, उत्तराखंड, जी मीडिया। तो उत्तराखंड में हुई हल्द्वानी की हिंसा को 2 दिन बीत गए हैं। हिंसा के मास्टरमाइंड को लेकर जी न्यूज ने बड़ा खुलासा किया है। जिस तरह प्रयागराज का कुख्यात भूमाफिया अतीक अहमद जमीनों पर कब्जा जमाता था,
लगभग उसी तरह से हल्द्वानी का भू माफिया भी अवैध संपत्ति को महज 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर खरीदता बेचता था। आपको यूपी के प्रयागराज के सबसे बड़े भू माफिया प्रतीक अहमद की याद भी ताजा कराता है। वो तो मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन अब बात हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड की। ये शख्स है अब्दुल मलिक, एक भू माफिया। हल्द्वानी में मलिक का बगीचा नाम की सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के बाद हुई हिंसा का यही भू माफिया मास्टरमाइंड है। इसी कड़ी में एक और बड़ा खुलासा आज हम जी न्यूज पर करने जा रहे हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में मौजूद मलिक का बगीचा नाम से जाने जाने वाली कई एकड़ में फैली सरकारी जमीन, जहां पर अवैध निर्माण बने हुए थे, उसी करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक सिर्फ 50 रुपए के स्टाम्प पर बेच रहा था। मलिक का बगीचा वही स्थान है जहाँ पर अवैध मस्जिद और मजार को ध्वस्त करा गया था। यहाँ पर अब देखिए, मोहम्मद तस्लीम नाम के एक व्यक्ति को जमीन बेची गई 14,30,000 रुपए की कीमत पर। ये देखिए, 14,30,000 रुपए में मोहम्मद तस्लीम नाम के व्यक्ति को ये जमीन बेची गई, और कितने, मात्र 50 रुपए के स्टैंप, और ये तो सिर्फ एक स्टैंप पेपर है। खास बात ये भी है कि एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों को अब्दुल मलिक ने करोड़ों की कीमत की जमीन मात्र 50 रुपए के स्टाम्प पर बेची थी। अब्दुल मलिक और उसके साथियों का सरकारी जमीन को बेचने का सिंडिकेट 2017 के बाद से धड़ल्ले से चल रहा है। 2014 से लेकर 2023 तक की मलिक का बगीचा नाम की इस विवादित सरकारी संपत्ति की सैटेलाइट इमेज से भी इसका खुलासा होता है। जहां 2014 में मलिक का बगीचा नाम की सरकारी संपत्ति बिल्कुल खाली थी, वहीं 2017 के बाद से यहां अवैध निर्माण किया गया। यहां मकानों के बनने और प्लॉटिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जिसने 2023 तक सरकारी जमीन पर अवैध बसावट की शक्ल ले ली। और हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक सरकारी जमीन के क्रय विक्रय का सारा खेल रच रहा था। स्टाम्प भी मैं कलेक्ट कर पाया था वहां से। यह एक महिला यहाँ पर दावा कर रही थी, हमें बाउंड्री वाल बन रही थी, आधी दीवार बन गई थी, इसको हम तोड़ने जा रहे थे। महिला आती हैं, अपना दावा करती हैं, तो हमने उनसे मांगा कि भाई अपना आप लेख कुछ तो दीजिए, तो एक स्टाम्प लेके आती देती हैं, उस पर हम उनकी जो संरचना थी उसको सील करते हैं और फिर इसकी जाँच शुरू करते हैं कि ये हो क्या रहा है। इस खुलासे से पूरी तरह साफ हो जाता है कि अब्दुल मलिक हल्द्वानी में सबसे बड़ा भू माफिया बन चुका था। अब पुलिस अब्दुल मलिक पर NSA लगाने की तैयारी कर रही है। अब्दुल मलिक जो है उसकी पुलिस तलाश कर रही है, वो भी हमारे केस में नामजद अभियुक्त है। और चूंकि ये जो अवैध निर्माण का कार्य था, ये अब्दुल मलिक के द्वारा ही किया गया था, तो अवैध निर्माण का जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई थी, उसका सबसे ज्यादा विरोध उसी के द्वारा किया गया था। हमारी टीम को LIU की रिपोर्ट भी हाथ लगी है, जिसमें कई चौंकाने वाले अहम खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा की आशंका बार बार जताई गई थी। 31 जनवरी से 3 फरवरी के बीच 5 बार प्रशासन को रिपोर्ट दी गई थी। अब्दुल मलिक को नोटिस दिए जाने पर भी रिपोर्ट सौंपी गई। अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही सुबह के समय किए जाने और इलाके में PSC लगाने का भी सुझाव दिया गया। योजनाबद्ध तरीके से महिलाओं और बच्चों को आंदोलन के पहले हिस्से में रखने की भी योजना बनाई गई थी। यानी जैसे जैसे 8 तारीख नजदीक आई, वैसे वैसे हिंसा का मास्टरमाइंड अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए सही मौके की तलाश कर रहा था। पुलिस ने अब तक 18 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया और इसके अलावा 5,000 के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि तमाम लोग वो हैं जो इस पूरी घटना में सीधे तौर पर या तो शामिल थे या भड़काने वालों में शामिल थे, जिनके खिलाफ काफी सबूत मिले हैं। अवैध संपत्ति पर बुलडोजर वाली कार्रवाई पर भी विचार किया जा रहा है। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी हुई खबर यह है कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है और अर्धसैनिक बलों की 4 कंपनियां मांगी हैं। बनभूलपुरा के लिए 4 कंपनियों की मांग की गई है, अर्धसैनिक बलों की 4 कंपनियां मांगी गई हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर यह मांग की है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी को जमकर हिंसा हुई। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पत्थर चलाए गए, लेकिन अब सरकार और प्रशासन ने पत्थरों का जवाब देने की तैयारी कर ली है। दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाएंगे,
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भरोसा दिया है कि पत्थरबाजों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि भविष्य के लिए मिसाल बन जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर पहुंचकर लोगों का हौसला बढ़ाया और अपना सख्त रवैया अख्तियार कर लिया। पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो उपद्रवियों को दिन में तारे नजर आने लगे। हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता एक किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। अवैध निर्माण पर होगा बुलडोजर अटैक। उत्तराखंड में चलेगा बाबा का फॉर्मूला। देश जानता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में कैसे सूबे से अवैध कब्जा करने वालों के होश ठिकाने लगा दिए। देश जानता है कैसे उत्तर प्रदेश में योगी ने उपद्रवियों और बदमाशों के होश फाख्ता कर दिए। देश जानता है कि आज की तारीख में गुंडे बदमाशों को सपने में भी बाबा का बुलडोजर याद आता है। वो बुलडोजर जो ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ एक प्रतीक बन गया है, तो भला देवभूमि के उपद्रवी कैसे बच जाएंगे। हल्द्वानी में उपद्रवियों पर भी यूपी की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार तैयारी कर चुकी है, प्रशासन तैयार है, इसलिए अवैध कब्जा करने वाले सावधान। अब पुष्कर सिंह धामी बाबा का बुलडोजर लेकर आ रहे हैं। Bulldozers will not be used, just for the sake of using bulldozers. हमें ज़रूरत पड़ेगी तो जरूर करेंगे। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव कैसे होगा? जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर, नजूल की भूमि पर अतिक्रमण किया है, तो उसको पूरे विधिवत तरीके से अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो बुलडोजर के बिना कैसे चलेगा? चलाना पड़ेगा। हल्द्वानी में हिंसा और उपद्रव के बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सभी धार्मिक स्थलों के आसपास पुलिस और पीएससी के जवानों की तैनाती है। सूबे की सीमा से सटे इलाकों में भी पुलिस टीमें तैनात कर दी गई हैं, तो ड्रोन कैमरों से निगरानी भी की जा रही है। पुलिस एक एक सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और लगातार अपनी कार्रवाई को सख्ती से आगे बढ़ा रही है। 18 नामजद, 5,000 के खिलाफ मामला दर्ज, 6 करोड़ के नुकसान का अनुमान। NSA UAPA के तहत कार्रवाई, दंगाइयों से नुकसान की वसूली। 7 जोन में बांटा गया बनभूलापुरा। 7 मजिस्ट्रेट तैनात, ADM होंगे नोडल अफसर। हल्द्वानी में फिलहाल तनाव का माहौल बना हुआ है। हालांकि कई इलाकों में कर्फ्यू में छूट दी गई है। पुलिस ने 5,000 के खिलाफ केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ प्रशासन, NSA और UAPA के तहत कार्रवाई की तैयारी कर चुकी है। गौर से देखिए इस चेहरे को, सिर पर टोपी, चेहरे पर सफेद दाढ़ी। नाम अब्दुल मलिक, वो शख्स जो हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड है, वो शख्स जिसके इशारे पर हल्द्वानी को आग में झोंक दिया गया। पुलिस की जांच में ये सामने आ चुका है कि अब्दुल मलिक ही वो शख्स है जिसके इशारे पर इस हिंसा को अंजाम दिया गया। अब्दुल और उसका बेटा पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, जबकि पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता के भाई को भी हल्द्वानी हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको एक बार फिर बता दें कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बनभूलपुरा में अवैध मदरसा और मस्जिद को हटाने को लेकर उपद्रवियों ने हिंसा को अंजाम दिया। उपद्रवियों की हिंसा की आग में झुलसे हल्द्वानी से फिलहाल कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन घटना वाले इलाके बनभूलपुरा में ये कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी है, जबकि मामले की मैजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश भी दिए गए हैं। सुरेंद्र डसीला के साथ शिवांग मिश्रा, हल्द्वानी, उत्तराखंड, जी मीडिया। तो उत्तराखंड में हुई हल्द्वानी की हिंसा को 2 दिन बीत गए हैं। हिंसा के मास्टरमाइंड को लेकर जी न्यूज ने बड़ा खुलासा किया है। जिस तरह प्रयागराज का कुख्यात भूमाफिया अतीक अहमद जमीनों पर कब्जा जमाता था, लगभग उसी तरह से हल्द्वानी का भूमाफिया भी अवैध संपत्ति को महज 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर खरीदता बेचता था। आपको यूपी के प्रयागराज के सबसे बड़े भूमाफिया अतीक अहमद की याद भी ताजा कराता है। वो तो मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन अब बात हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड की। ये शख्स है अब्दुल मलिक, एक भूमाफिया। हल्द्वानी में मलिक का बगीचा नाम की सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के बाद हुई हिंसा का यही भूमाफिया मास्टरमाइंड है।
इसी कड़ी में एक और बड़ा खुलासा आज हम जी न्यूज पर करने जा रहे हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में मौजूद मलिक का बगीचा नाम से जाने जाने वाली कई एकड़ में फैली सरकारी जमीन, जहां पर अवैध निर्माण बने हुए थे, उसी करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक सिर्फ 50 रुपए के स्टाम्प पर बेच रहा था। मलिक का बगीचा वही स्थान है जहां पर अवैध मस्जिद और मजार को ध्वस्त करा गया था। यहां पर अब देखिए, मोहम्मद तस्लीम नाम के एक व्यक्ति को जमीन बेची गई 14,30,000 रुपए की कीमत पर। ये देखिए, 14,30,000 रुपए में मोहम्मद तस्लीम नाम के व्यक्ति को ये जमीन बेची गई, और कितने, मात्र 50 रुपए के स्टैंप पर, और ये तो सिर्फ एक स्टैंप पेपर है। खास बात यह भी है कि एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों को अब्दुल मलिक ने करोड़ों की कीमत की जमीन मात्र 50 रुपए के स्टाम्प पर बेची थी। अब्दुल मलिक और उसके साथियों का सरकारी जमीन को बेचने का सिंडिकेट 2017 के बाद से धड़ल्ले से चल रहा है। 2014 से लेकर 2023 तक की मलिक का बगीचा नाम की इस विवादित सरकारी संपत्ति की सैटेलाइट इमेज से भी इसका खुलासा होता है। जहां 2014 में मलिक का बगीचा नाम की सरकारी संपत्ति बिल्कुल खाली थी, वहीं 2017 के बाद से यहां अवैध निर्माण किया गया। यहां मकानों के बनने और प्लॉटिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जिसने 2023 तक सरकारी जमीन पर अवैध बसावट की शक्ल ले ली, और हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक सरकारी जमीन के क्रय विक्रय का सारा खेल रच रहा था। स्टाम्प भी मैं कलेक्ट कर पाया था वहां से। यह एक महिला यहाँ पर दावा कर रही थी, हमें बाउंड्री वाल बन रही थी, आधी दीवार बन गई थी, इसको हम तोड़ने जा रहे थे। महिला आती हैं, अपना दावा करती हैं, तो हमने उनसे मांगा कि भाई अपना आप ले कुछ तो दीजिए, तो एक स्टाम्प लेके आती देती हैं, उस पर हम उनकी जो संरचना उसको सील करते हैं और फिर इसकी जाँच शुरू करते हैं कि ये हो क्या रहा है। इस खुलासे से पूरी तरह साफ हो जाता है कि अब्दुल मलिक हल्द्वानी में सबसे बड़ा भू माफिया बन चुका था। अब पुलिस अब्दुल मलिक पर NSA लगाने की तैयारी कर रही है। अब्दुल मलिक जो है उसकी पुलिस तलाश कर रही है, वो भी हमारे केस में नामजद अभियुक्त है, और चूंकि ये जो अवैध निर्माण का कार्य था ये अब्दुल मलिक के द्वारा किया गया था, तो अवैध निर्माण का जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई थी उसका सबसे ज़्यादा विरोध उसी के द्वारा किया गया था। हमारी टीम को LIU की रिपोर्ट भी हाथ लगी है, जिसमें कई चौंकाने वाले अहम खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा की आशंका बार बार जताई गई थी। 31 जनवरी से 3 फरवरी के बीच 5 बार प्रशासन को रिपोर्ट दी गई थी। अब्दुल मलिक को नोटिस दिए जाने पर भी रिपोर्ट सौंपी गई। अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही सुबह के समय किए जाने और इलाके में PSC लगाने का भी सुझाव दिया गया। योजनाबद्ध तरीके से महिलाओं और बच्चों को आंदोलन के पहले हिस्से में रखने की भी योजना बनाई गई थी। यानी जैसे जैसे 8 तारीख नजदीक आई, वैसे वैसे हिंसा का मास्टरमाइंड अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए सही मौके की तलाश कर रहा था। पुलिस ने अब तक 18 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया और इसके अलावा 5,000 के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि तमाम लोग वो हैं जो इस पूरी घटना में सीधे तौर पर या तो शामिल थे या भड़काने वालों में शामिल थे, जिनके खिलाफ काफी सबूत मिले हैं। अवैध संपत्ति पर बुलडोजर वाली कार्रवाई पर भी विचार किया जा रहा है। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी हुई खबर यह है कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है और अर्धसैनिक बलों की 4 कंपनियां मांगी हैं। बनभूलपुरा के लिए 4 कंपनियों की मांग की गई है, अर्धसैनिक बलों की 4 कंपनियां मांगी गई हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर यह मांग की है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी को जमकर हिंसा हुई। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पत्थर चलाए गए, लेकिन अब सरकार और प्रशासन ने पत्थरों का जवाब देने की तैयारी कर ली है। दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाएंगे। CM पुष्कर सिंह धामी ने यह भरोसा दिया है कि पत्थरबाजों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि भविष्य के लिए मिसाल बन जाएगी। CM पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर पहुंचकर लोगों का हौसला बढ़ाया और अपना सख्त रवैया अख्तियार कर लिया। पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो पत्थरबाजों को दिन में तारे नजर आने लगे। हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता, ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी
बनभुलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। अवैध निर्माण पर होगा बुलडोजर अटैक, उत्तराखंड में चलेगा बाबा का फॉर्मूला। देश जानता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में कैसे सूबे से अवैध कब्जा करने वालों के होश ठिकाने लगा दिए। देश जानता है कैसे उत्तर प्रदेश में योगी ने उपद्रवियों और बदमाशों के होश हाथा कर दिए। देश जानता है कि आज की तारीख में गुंडे बदमाशों को सपने में भी बाबा का बुलडोजर याद आता है। वो बुलडोजर जो ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ एक प्रतीक बन गया है, तो भला देवभूमि के उपद्रवी कैसे बच जाएंगे। हल्द्वानी में उपद्रवियों पर भी यूपी की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार तैयारी कर चुकी है, प्रशासन तैयार है, इसलिए अवैध कब्जा करने वाले सावधान। अब पुष्कर सिंह धामी बाबा का बुलडोजर लेकर आ रहे हैं। Bulldozers will not be used, you know, just for the sake of using bulldozers. हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर करेंगे। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव कैसे होगा? जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर, नजूल की भूमि पर अतिक्रमण किया है, तो उसको पूरे विधिवत तरीके से अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो बुलडोजर के बिना कैसे चलेगा? चलाना पड़ेगा। हल्द्वानी में हिंसा और उपद्रव के बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सभी धार्मिक स्थलों के आसपास पुलिस और पीएससी के जवानों की तैनाती है। सूबे की सीमा से सटे इलाकों में भी पुलिस टीमें तैनात कर दी गई हैं, तो ड्रोन कैमरों से निगरानी भी की जा रही है। पुलिस एक एक सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और लगातार अपनी कार्रवाई को सख्ती से आगे बढ़ा रही है। 18 नामजद, 5000 के खिलाफ मामला दर्ज, 6 करोड़ के नुकसान का अनुमान। NSA UAPA के तहत कार्रवाई, दंगाइयों से नुकसान की वसूली। 7 जोन में बांटा गया बनभुलापुरा, 7 मजिस्ट्रेट तैनात, ADM होंगे नोडल अफसर। हल्द्वानी में फिलहाल तनाव का माहौल बना हुआ है, हालांकि कई इलाकों में कर्फ्यू में छूट दी गई है। पुलिस ने 5000 के खिलाफ केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ प्रशासन, NSA और UAPA के तहत कार्रवाई की तैयारी कर चुकी है। गौर से देखिए इस चेहरे को, सिर पर टोपी, चेहरे पर सफेद दाढ़ी। नाम अब्दुल मलिक, वो शख्स जो हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड है, वो शख्स जिसके इशारे पर हल्द्वानी को आग में झोंक दिया गया। पुलिस की जांच में ये सामने आ चुका है कि अब्दुल मलिक ही वो शख्स है जिसके इशारे पर इस हिंसा को अंजाम दिया गया। अब्दुल और उसका बेटा पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, जबकि पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता के भाई को भी हल्द्वानी हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको एक बार फिर बता दें कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बनभुलपुरा में अवैध मदरसा और मस्जिद को हटाने को लेकर उपद्रवियों ने हिंसा को अंजाम दिया। उपद्रवियों की हिंसा की आग में झुलसे हल्द्वानी से फिलहाल कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन घटना वाले इलाके बनभुलपुरा में ये कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी है, जबकि मामले की मैजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश भी दिए गए हैं। सुरेंद्र डसीला के साथ शिवांग मिश्रा, हल्द्वानी, उत्तराखंड, जी मीडिया। तो उत्तराखंड में हुई हल्द्वानी की हिंसा को 2 दिन बीत गए हैं। हिंसा के मास्टरमाइंड को लेकर जी न्यूज ने बड़ा खुलासा किया है। जिस तरह प्रयागराज का कुख्यात भूमाफिया अतीक अहमद जमीनों पर कब्जा जमाता था, लगभग उसी तरह से हल्द्वानी का भूमाफिया भी अवैध संपत्ति को महज 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर खरीदता बेचता था। आपको यूपी के प्रयागराज के सबसे बड़े भूमाफिया अतीक अहमद की याद भी ताजा कराता है। वो तो मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन अब बात हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड की। ये शख्स है अब्दुल मलिक, एक भूमाफिया। हल्द्वानी में मलिक का बगीचा नाम की सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के बाद हुई हिंसा का यही भूमाफिया मास्टरमाइंड है। इसी कड़ी में एक और बड़ा खुलासा आज हम जी न्यूज पर करने जा रहे हैं। हल्द्वानी के बनभुलपुरा इलाके में मौजूद मलिक का बगीचा नाम से जाने जाने वाली कई एकड़ में फैली सरकारी जमीन, जहां पर अवैध निर्माण बने हुए थे, उसी करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक सिर्फ 50 रुपए के स्टाम्प पर बेच रहा था। मलिक का बगीचा वही स्थान है जहाँ पर अवैध मस्जिद और मजार को ध्वस्त करा गया था। यहाँ पर अब देखिए, मोहम्मद तस्लीम नाम के एक व्यक्ति को जमीन बेची गई
14,30,000 रुपए की कीमत पर, ये देखिए 14,30,000 रुपए में मोहम्मद तस्लीम नाम के व्यक्ति को ये ज़मीन बेची गई, और कितने, मात्र 50 रुपए के स्टैंप पर, और ये तो सिर्फ एक स्टैंप पेपर है। खास बात यह भी है कि एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों को अब्दुल मलिक ने करोड़ों की कीमत की जमीन मात्र 50 रुपए के स्टाम्प पर बेची थी। अब्दुल मलिक और उसके साथियों का सरकारी जमीन को बेचने का सिंडिकेट 2017 के बाद से धड़ल्ले से चल रहा है। 2014 से लेकर 2023 तक की मलिक का बगीचा नाम की इस विवादित सरकारी संपत्ति की सैटेलाइट इमेज से भी इसका खुलासा होता है। जहां 2014 में मलिक का बगीचा नाम की सरकारी संपत्ति बिल्कुल खाली थी, वहीं 2017 के बाद से यहां अवैध निर्माण किया गया। यहां मकानों के बनने और प्लॉटिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जिसने 2023 तक सरकारी जमीन पर अवैध बसावट की शक्ल ले ली, और हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक सरकारी जमीन के क्रय विक्रय का सारा खेल रच रहा था। स्टाम्प भी मैं कलेक्ट कर पाया था वहां से। यह एक महिला यहाँ पर दावा कर रही थी, हमें बाउंड्री वाल बन रही थी, आधी दीवार बन गई थी, इसको हम तोड़ने जा रहे थे। महिला आती हैं, अपना दावा करती हैं, तो हमने उनसे मांगा कि भाई अपना आप ले कुछ तो दीजिए, तो एक स्टाम्प लेके आती देती हैं, उस पर हम उनकी जो संरचना उसको सील करते हैं और फिर इसकी जाँच शुरू करते हैं कि ये हो क्या रहा है। इस खुलासे से पूरी तरह साफ हो जाता है कि अब्दुल मलिक हल्द्वानी में सबसे बड़ा भू माफिया बन चुका था। अब पुलिस अब्दुल मलिक पर NSA लगाने की तैयारी कर रही है। अब्दुल मलिक जो है उसकी पुलिस तलाश कर रही है, वो भी हमारे केस में नामजद अभियुक्त है, और चूंकि ये जो अवैध निर्माण का कार्य था ये अब्दुल मलिक के द्वारा ही किया गया था, तो अवैध निर्माण का जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई थी उसका सबसे ज़्यादा विरोध उसी के द्वारा किया गया था। हमारी टीम को LIU की रिपोर्ट भी हाथ लगी है, जिसमें कई चौंकाने वाले अहम खुलासे हुए। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा की आशंका बार बार जताई गई थी। 31 जनवरी से 3 फरवरी के बीच 5 बार प्रशासन को रिपोर्ट दी गई थी। अब्दुल मलिक को नोटिस दिए जाने पर भी रिपोर्ट सौंपी गई। अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही सुबह के समय किए जाने और इलाके में PAC लगाने का भी सुझाव दिया गया। योजनाबद्ध तरीके से महिलाओं और बच्चों को आंदोलन के पहले हिस्से में रखने की भी योजना बनाई गई थी। यानी जैसे जैसे 8 तारीख नजदीक आई, वैसे वैसे हिंसा का मास्टरमाइंड अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए सही मौके की तलाश कर रहा था। पुलिस ने अब तक 18 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया और इसके अलावा 5,000 के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि तमाम लोग वो हैं जो इस पूरी घटना में सीधे तौर पर या तो शामिल थे या भड़काने वालों में शामिल थे, जिनके खिलाफ काफी सबूत मिले हैं। अवैध संपत्ति पर बुलडोजर वाली कार्रवाई पर भी विचार किया जा रहा है। जिन्होंने भी बन भूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी हुई खबर यह है कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है और अर्धसैनिक बलों की 4 कंपनियां मांगी हैं। बनभूलपुरा के लिए 4 कंपनियों की मांग की गई है, अर्धसैनिक बलों की 4 कंपनियां मांगी गई हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर यह मांग की है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी को जमकर हिंसा हुई। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पत्थर चलाए गए, लेकिन अब सरकार और प्रशासन ने पत्थरों का जवाब देने की तैयारी कर ली है। दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाएंगे। CM पुष्कर सिंह धामी ने यह भरोसा दिया है कि पत्थरबाजों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि भविष्य के लिए मिसाल बन जाएगी। CM पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर पहुंचकर लोगों का हौसला बढ़ाया और अपना सख्त रवैया अख्तियार कर लिया। पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो पत्थरबाजों को दिन में तारे नजर आने लगे। हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता एक किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बन भूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। अवैध निर्माण पर होगा बुलडोजर अटैक। उत्तराखंड में चलेगा बाबा का फॉर्मूला। देश जानता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में कैसे सूबे से अवैध कब्जा करने वालों के
होश ठिकाने लगा दिए। देश जानता है कैसे उत्तर प्रदेश में योगी ने उपद्रवियों और बदमाशों के होश खाता कर दिए। देश जानता है कि आज की तारीख में गुंडे बदमाशों को सपने में भी बाबा का बुलडोजर याद आता है। वो बुलडोजर जो ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ एक प्रतीक बन गया है, तो भला देवभूमि के उपद्रवी कैसे बच जाएंगे। हल्द्वानी में उपद्रवियों पर भी यूपी की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार तैयारी कर चुकी है, प्रशासन तैयार है, इसलिए अवैध कब्जा करने वाले सावधान। अब पुष्कर सिंह धामी बाबा का बुलडोजर लेकर आ रहे हैं। The bulldozers will not be used, you know, just for the sake of using bulldozers. हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर करेंगे। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव कैसे होगा? जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर, नजूल की भूमि पर अतिक्रमण किया है, तो उसको पूरे विधिवत तरीके से अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो बुलडोजर के बिना कैसे चलेगा? चलाना पड़ेगा। हल्द्वानी में हिंसा और उपद्रव के बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सभी धार्मिक स्थलों के आसपास पुलिस और पीएससी के जवानों की तैनाती है। सूबे की सीमा से सटे इलाकों में भी पुलिस टीमें तैनात कर दी गई हैं, तो ड्रोन कैमरों से निगरानी भी की जा रही है। पुलिस एक एक सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और लगातार अपनी कार्रवाई को सख्ती से आगे बढ़ा रही है। 18 नामजद, 5000 के खिलाफ मामला दर्ज, 6 करोड़ के नुकसान का अनुमान। NSA UAPA के तहत कार्रवाई, दंगाइयों से नुकसान की वसूली। 7 जोन में बांटा गया बन भूलापुरा, 7 मजिस्ट्रेट तैनात, ADM होंगे नोडल अफसर। हल्द्वानी में फिलहाल तनाव का माहौल बना हुआ है, हालांकि कई इलाकों में कर्फ्यू में छूट दी गई है। पुलिस ने 5000 के खिलाफ केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ प्रशासन, NSA और UAPA के तहत कार्रवाई की तैयारी कर चुकी है। गौर से देखिए इस चेहरे को, सिर पर टोपी, चेहरे पर सफेद दाढ़ी। नाम अब्दुल मलिक, वो शख्स जो हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड है, वो शख्स जिसके इशारे पर हल्द्वानी को आग में झोंक दिया गया। पुलिस की जांच में ये सामने आ चुका है कि अब्दुल मलिक ही वो शख्स है जिसके इशारे पर इस हिंसा को अंजाम दिया गया। अब्दुल और उसका बेटा पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, जबकि पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता के भाई को भी हल्द्वानी हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको एक बार फिर बता दें कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बन भूलपुरा में अवैध मदरसा और मस्जिद को हटाने को लेकर उपद्रवियों ने हिंसा को अंजाम दिया। उपद्रवियों की हिंसा की आग में झुलसे हल्द्वानी से फिलहाल कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन घटना वाले इलाके बन भूलपुरा में ये कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी है, जबकि मामले की मैजिस्ट्रेटियल जाँच के आदेश भी दिए गए हैं। सुरेंद्र डसीला के साथ शिवांग मिश्रा, हल्द्वानी, उत्तराखंड, जी मीडिया। तो उत्तराखंड में हुई हल्द्वानी की हिंसा को 2 दिन बीत गए हैं। हिंसा के मास्टरमाइंड को लेकर जी न्यूज ने बड़ा खुलासा किया है। जिस तरह प्रयागराज का कुख्यात भूमाफिया अतीक अहमद जमीनों पर कब्जा जमाता था, लगभग उसी तरह से हल्द्वानी का भूमाफिया भी अवैध संपत्ति को महज 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर खरीदता बेचता था। आपको यूपी के प्रयागराज के सबसे बड़े भूमाफिया अतीक अहमद की याद भी ताजा कराता है। वो तो मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन अब बात हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड की। ये शख्स है अब्दुल मलिक, एक भूमाफिया। हल्द्वानी में मलिक का बगीचा नाम की सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के बाद हुई हिंसा का यही भूमाफिया मास्टरमाइंड है। इसी कड़ी में एक और बड़ा खुलासा आज हम जी न्यूज पर करने जा रहे हैं। हल्द्वानी के बन भूलपुरा इलाके में मौजूद मलिक का बगीचा नाम से जाने जाने वाली कई एकड़ में फैली सरकारी जमीन, जहां पर अवैध निर्माण बने हुए थे, उसी करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक सिर्फ 50 रुपए के स्टाम्प पर बेच रहा था। मलिक का बगीचा वही स्थान है जहाँ पर अवैध मस्जिद और मजार को ध्वस्त करा गया था। यहाँ पर अब देखिए, मोहम्मद तस्लीम नाम के एक व्यक्ति को जमीन बेची गई 14,30,000 रुपए की कीमत पर। ये देखिए, 14,30,000 रुपए में मोहम्मद तस्लीम नाम के व्यक्ति को ये जमीन बेची गई, और कितने? मात्र 50 रुपए के स्टैंप पर, और ये तो सिर्फ एक स्टैंप पेपर है। खास बात ये भी है कि एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों को अब्दुल मलिक ने करोड़ों की कीमत की जमीन मात्र 50 रुपए के स्टैंप पर बेची थी। अब्दुल मलिक और उसके साथियों का सरकारी जमीन को बेचने का सिंडिकेट 2017 के बाद से धड़ल्ले से चल रहा है।
2014 से लेकर 2023 तक की मलिक का बगीचा नाम की इस विवादित सरकारी संपत्ति की सैटेलाइट इमेज से भी इसका खुलासा होता है। जहां 2014 में मलिक का बगीचा नाम की सरकारी संपत्ति बिल्कुल खाली थी, वहीं 2017 के बाद से यहां अवैध निर्माण किया गया। यहां मकानों के बनने और प्लॉटिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जिसने 2023 तक सरकारी जमीन पर अवैध बसावट की शक्ल ले ली। और हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक सरकारी जमीन के क्रय विक्रय का सारा खेल रच रहा था। स्टाम्प भी मैं कलेक्ट कर पाया था वहां से। यह एक महिला यहाँ पर दावा कर रही थी, हम ये बाउंड्री वाल बन रही थी, आधी दीवार बन गई थी, इसको हम तोड़ने जा रहे थे। महिला आती हैं, अपना दावा करती हैं, तो हमने उनसे मांगा कि भाई अपना आप ले कुछ तो दीजिए, तो एक स्टाम्प लेके आती देती हैं, उस पर हम उनकी जो संरचना थी उसको सील करते हैं और फिर इसकी जाँच शुरू करते हैं कि ये हो क्या रहा है। इस खुलासे से पूरी तरह साफ हो जाता है कि अब्दुल मलिक हल्द्वानी में सबसे बड़ा भू माफिया बन चुका था। अब पुलिस अब्दुल मलिक पर NSA लगाने की तैयारी कर रही है। अब्दुल मलिक जो है उसकी पुलिस तलाश कर रही है, वो भी हमारे केस में नामजद अभियुक्त है। और चूंकि ये जो अवैध निर्माण का कार्य था, ये अब्दुल मलिक के द्वारा ही किया गया था, तो अवैध निर्माण का जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई थी, उसका सबसे ज़्यादा विरोध उसी के द्वारा किया गया था। हमारी टीम को LIU की रिपोर्ट भी हाथ लगी है, जिसमें कई चौंकाने वाले अहम खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा की आशंका बार बार जताई गई थी। 31 जनवरी से 3 फरवरी के बीच 5 बार प्रशासन को रिपोर्ट दी गई थी। अब्दुल मलिक को नोटिस दिए जाने पर भी रिपोर्ट सौंपी गई। अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही सुबह के समय किए जाने और इलाके में PAC लगाने का भी सुझाव दिया गया। योजनाबद्ध तरीके से महिलाओं और बच्चों को आंदोलन के पहले हिस्से में रखने की भी योजना बनाई गई थी। यानी जैसे जैसे 8 तारीख नजदीक आई, वैसे वैसे हिंसा का मास्टरमाइंड अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए सही मौके की तलाश कर रहा था। पुलिस ने अब तक 18 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया और इसके अलावा 5,000 के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि तमाम लोग वो हैं जो इस पूरी घटना में सीधे तौर पर या तो शामिल थे या भड़काने वालों में शामिल थे, जिनके खिलाफ काफी सबूत मिले हैं। अवैध संपत्ति पर बुलडोजर वाली कार्रवाई पर भी विचार किया जा रहा है। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी हुई खबर यह है कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है और अर्धसैनिक बलों की 4 कंपनियां मांगी हैं। बनभूलपुरा के लिए 4 कंपनियों की मांग की गई है, अर्धसैनिक बलों की 4 कंपनियां मांगी गई हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर यह मांग की है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी को जमकर हिंसा हुई। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पत्थर चलाए गए, लेकिन अब सरकार और प्रशासन ने पत्थरों का जवाब देने की तैयारी कर ली है। दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाएंगे। CM पुष्कर सिंह धामी ने यह भरोसा दिया है कि पत्थरबाजों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि भविष्य के लिए मिसाल बन जाएगी। CM पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर पहुंचकर लोगों का हौसला बढ़ाया और अपना सख्त रवैया अख्तियार कर लिया। पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो पत्थरबाजों को दिन में तारे नजर आने लगे। हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता, ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। अवैध निर्माण पर होगा बुलडोजर अटैक। उत्तराखंड में चलेगा बाबा का फॉर्मूला। देश जानता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में कैसे सूबे से अवैध कब्जा करने वालों के होश ठिकाने लगा दिए। देश जानता है कैसे उत्तर प्रदेश में योगी ने उपद्रवियों और बदमाशों के होश फाख्ता कर दिए। देश जानता है कि आज की तारीख में गुंडे बदमाशों को सपने में भी बाबा का बुलडोजर याद आता है। वो बुलडोजर जो ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ एक प्रतीक बन गया है, तो भला देवभूमि के उपद्रवी कैसे बच जाएंगे। हल्द्वानी में उपद्रवियों पर भी UP की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है।
पुष्कर सिंह धामी की सरकार तैयारी कर चुकी है, प्रशासन तैयार है, इसलिए अवैध कब्जा करने वाले सावधान। अब पुष्कर सिंह धामी बाबा का बुलडोजर लेकर आ रहे हैं। The bulldozers will not be used, you know, just for the sake of using bulldozers. हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर करेंगे। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव कैसे होगा? जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर, नजूल की भूमि पर अतिक्रमण किया है, तो उसको पूरे विधिवत तरीके से अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो बुलडोजर के बिना कैसे चलेगा? चलाना पड़ेगा। हल्द्वानी में हिंसा और उपद्रव के बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सभी धार्मिक स्थलों के आसपास पुलिस और पीएससी के जवानों की तैनाती है। सूबे की सीमा से सटे इलाकों में भी पुलिस टीमें तैनात कर दी गई हैं, तो ड्रोन कैमरों से निगरानी भी की जा रही है। पुलिस एक एक सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और लगातार अपनी कार्रवाई को सख्ती से आगे बढ़ा रही है। 18 नामजद, 5000 के खिलाफ मामला दर्ज, 6 करोड़ के नुकसान का अनुमान। NSA, UAPA के तहत कार्रवाई, दंगाइयों से नुकसान की वसूली। 7 जोन में बांटा गया बनभूलापुरा, 7 मजिस्ट्रेट तैनात, ADM होंगे नोडल अफसर। हल्द्वानी में फिलहाल तनाव का माहौल बना हुआ है, हालांकि कई इलाकों में कर्फ्यू में छूट दी गई है। पुलिस ने 5000 के खिलाफ केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ प्रशासन, NSA और UAPA के तहत कार्रवाई की तैयारी कर चुकी है। गौर से देखिए इस चेहरे को, सिर पर टोपी, चेहरे पर सफेद दाढ़ी। नाम अब्दुल मलिक, वो शख्स जो हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड है, वो शख्स जिसके इशारे पर हल्द्वानी को आग में झोंक दिया गया। पुलिस की जांच में ये सामने आ चुका है कि अब्दुल मलिक ही वो शख्स है जिसके इशारे पर इस हिंसा को अंजाम दिया गया। अब्दुल और उसका बेटा पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, जबकि पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता के भाई को भी हल्द्वानी हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको एक बार फिर बता दें कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बनभुलपुरा में अवैध मदरसा और मस्जिद को हटाने को लेकर उपद्रवियों ने हिंसा को अंजाम दिया। उपद्रवियों की हिंसा की आग में झुलसे हल्द्वानी से फिलहाल कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन घटना वाले इलाके बनभुलपुरा में ये कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी है, जबकि मामले की मैजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश भी दिए गए हैं। सुरेंद्र डसीला के साथ शिवांग मिश्रा, हल्द्वानी, उत्तराखंड, जी मीडिया। तो उत्तराखंड में हुई हल्द्वानी की हिंसा को 2 दिन बीत गए हैं। हिंसा के मास्टरमाइंड को लेकर जी न्यूज ने बड़ा खुलासा किया है। जिस तरह प्रयागराज का कुख्यात भूमाफिया अतीक अहमद जमीनों पर कब्जा जमाता था, लगभग उसी तरह से हल्द्वानी का भूमाफिया भी अवैध संपत्ति को महज 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर खरीदता बेचता था। आपको UP के प्रयागराज के सबसे बड़े भूमाफिया अतीक अहमद की याद भी ताजा कराता है। वो तो मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन अब बात हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड की। ये शख्स है अब्दुल मलिक, एक भूमाफिया। हल्द्वानी में मलिक का बगीचा नाम की सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के बाद हुई हिंसा का यही भूमाफिया मास्टरमाइंड है। इसी कड़ी में एक और बड़ा खुलासा आज हम जी न्यूज पर करने जा रहे हैं। हल्द्वानी के बनभुलपुरा इलाके में मौजूद मलिक का बगीचा नाम से जाने जाने वाली कई एकड़ में फैली सरकारी जमीन, जहां पर अवैध निर्माण बने हुए थे, उसी करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक सिर्फ 50 रुपए के स्टाम्प पर बेच रहा था। मलिक का बगीचा वही स्थान है जहाँ पर अवैध मस्जिद और मजार को ध्वस्त करा गया था। यहाँ पर अब देखिए, मोहम्मद तस्लीम नाम के एक व्यक्ति को जमीन बेची गई 14,30,000 रुपए की कीमत पर। ये देखिए, 14,30,000 रुपए में मोहम्मद तस्लीम नाम के व्यक्ति को ये जमीन बेची गई, और कितने? मात्र 50 रुपए के स्टैंप, और ये तो सिर्फ एक स्टैंप पेपर है। खास बात ये भी है कि एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों को अब्दुल मलिक ने करोड़ों की कीमत की जमीन मात्र 50 रुपए के स्टैंप पर बेची थी। अब्दुल मलिक और उसके साथियों का सरकारी जमीन को बेचने का सिंडिकेट 2017 के बाद से धड़ल्ले से चल रहा है। 2014 से लेकर 2023 तक की मलिक का बगीचा नाम की इस विवादित सरकारी संपत्ति की सैटेलाइट इमेज से भी इसका खुलासा होता है। जहां 2014 में मलिक का बगीचा नाम की सरकारी संपत्ति बिल्कुल खाली थी, वहीं 2017 के बाद से यहां अवैध निर्माण किया गया। यहां मकानों के बनने और प्लॉटिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जिसने 2023 तक सरकारी जमीन पर अवैध बसावट की शक्ल ले ली। और हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक सरकारी जमीन के क्रय विक्रय का सारा खेल रच रहा था।
इसकी स्टाम्प भी मैं कलेक्ट कर पाया था वहाँ से। यह एक महिला यहाँ पर दावा कर रही थी, हमें बाउंड्री वाल बन रही थी, आधी दीवार बन गई थी, इसको हम तोड़ने जा रहे थे। महिला आती हैं, अपना दावा करती हैं, तो हमने उनसे मांगा कि भाई अपना आप लेख कुछ तो दीजिए, तो एक स्टाम्प लेके आते देती हैं, उस पर हम उनकी जो संरचना थी उसको सील करते हैं और फिर इसकी जाँच शुरू करते हैं कि ये हो क्या रहा है। इस खुलासे से पूरी तरह साफ हो जाता है कि अब्दुल मलिक हल्द्वानी में सबसे बड़ा भू माफिया बन चुका था। अब पुलिस अब्दुल मलिक पर NSA लगाने की तैयारी कर रही है। अब्दुल मलिक जो है उसकी पुलिस तलाश कर रही है, वो भी हमारे केस में नामजद अभियुक्त है। और चूंकि ये जो अवैध निर्माण का कार्य था ये अब्दुल मलिक के द्वारा ही किया गया था, तो अवैध निर्माण का जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई थी उसका सबसे ज़्यादा विरोध उसी के द्वारा किया गया था। हमारी टीम को LIU की रिपोर्ट भी हाथ लगी है जिसमें कई चौंकाने वाले अहम खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा की आशंका बार बार जताई गई थी। 31 जनवरी से 3 फरवरी के बीच 5 बार प्रशासन को रिपोर्ट दी गई थी। अब्दुल मलिक को नोटिस दिए जाने पर भी रिपोर्ट सौंपी गई। अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही सुबह के समय किए जाने और इलाके में PAC लगाने का भी सुझाव दिया गया। योजनाबद्ध तरीके से महिलाओं और बच्चों को आंदोलन के पहले हिस्से में रखने की भी योजना बनाई गई थी। यानी जैसे जैसे 8 तारीख नजदीक आई वैसे वैसे हिंसा का मास्टरमाइंड अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए सही मौके की तलाश कर रहा था। पुलिस ने अब तक 18 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया और इसके अलावा 5,000 के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि तमाम लोग वो हैं जो इस पूरी घटना में सीधे तौर पर या तो शामिल थे या भड़काने वालों में शामिल थे, जिनके खिलाफ काफी सबूत मिले। अवैध संपत्ति पर बुलडोजर वाली कार्रवाई पर भी विचार किया जा रहा है। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी हुई खबर यह है कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है और अर्धसैनिक बलों की 4 कंपनियां मांगी हैं। बनभूलपुरा के लिए 4 कंपनियों की मांग की गई है, अर्धसैनिक बलों की 4 कंपनियां मांगी गई हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर यह मांग की है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी को जमकर हिंसा हुई। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पत्थर चलाए गए, लेकिन अब सरकार और प्रशासन ने पत्थरों का जवाब देने की तैयारी कर ली है। दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाएंगे। CM पुष्कर सिंह धामी ने यह भरोसा दिया है कि पत्थरबाजों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि भविष्य के लिए मिसाल बन जाएगी। CM पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर पहुंचकर लोगों का हौसला बढ़ाया और अपना सख्त रवैया अख्तियार कर लिया। पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो उपद्रवियों को दिन में तारे नजर आने लगे। हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता, ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं है। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। अवैध निर्माण पर होगा बुलडोजर अटैक। उत्तराखंड में चलेगा बाबा का फॉर्मूला। देश जानता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में कैसे सूबे से अवैध कब्जा करने वालों के होश ठिकाने लगा दिए। देश जानता है कैसे उत्तर प्रदेश में योगी ने उपद्रवियों और बदमाशों के होश फाख्ता कर दिए। देश जानता है कि आज की तारीख में गुंडे बदमाशों को सपने में भी बाबा का बुलडोजर याद आता है। वो बुलडोजर जो ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ एक प्रतीक बन गया है, तो भला देवभूमि के उपद्रवी कैसे बच जाएंगे। हल्द्वानी में उपद्रवियों पर भी UP की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार तैयारी कर चुकी है, प्रशासन तैयार है, इसलिए अवैध कब्जा करने वाले सावधान। अब पुष्कर सिंह धामी बाबा का बुलडोजर लेकर आ रहे हैं।
Bulldozers will not be used, you know, just for the sake of using bulldozers. हमें जरूरत पड़ेगी तो जरूर करेंगे. एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव कैसे होगा? जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर, नजूल की भूमि पर अतिक्रमण किया है, तो उसको पूरे विधिवत तरीके से अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो बुलडोजर के बिना कैसे चलेगा? चलाना पड़ेगा. हल्द्वानी में हिंसा और उपद्रव के बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. सभी धार्मिक स्थलों के आसपास पुलिस और पीएससी के जवानों की तैनाती है. सूबे की सीमा से सटे इलाकों में भी पुलिस टीमें तैनात कर दी गई हैं, तो ड्रोन कैमरों से निगरानी भी की जा रही है. पुलिस एक एक सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और लगातार अपनी कार्रवाई को सख्ती से आगे बढ़ा रही है. 18 नामजद, 5000 के खिलाफ मामला दर्ज, 6 करोड़ के नुकसान का अनुमान. NSA UAPA के तहत कार्रवाई, दंगाइयों से नुकसान की वसूली. 7 जोन में बांटा गया बनभूलापुरा. 7 मजिस्ट्रेट तैनात, ADM होंगे नोडल अफसर. हल्द्वानी में फिलहाल तनाव का माहौल बना हुआ है. हालांकि कई इलाकों में कर्फ्यू में छूट दी गई है. पुलिस ने 5000 के खिलाफ केस दर्ज किया है. जानकारी के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ प्रशासन, NSA और UAPA के तहत कार्रवाई की तैयारी कर चुकी है. गौर से देखिए इस चेहरे को. सिर पर टोपी, चेहरे पर सफेद दाढ़ी. नाम अब्दुल मलिक. वो शख्स जो हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड है. वो शख्स जिसके इशारे पर हल्द्वानी को आग में झोंक दिया गया. पुलिस की जांच में ये सामने आ चुका है कि अब्दुल मलिक ही वो शख्स है जिसके इशारे पर इस हिंसा को अंजाम दिया गया. अब्दुल और उसका बेटा पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, जबकि पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता के भाई को भी हल्द्वानी हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया है. आपको एक बार फिर बता दें कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बनभुलपुरा में अवैध मदरसा और मस्जिद को हटाने को लेकर उपद्रवियों ने हिंसा को अंजाम दिया. उपद्रवियों की हिंसा की आग में झुलसे हल्द्वानी से फिलहाल कर्फ्यू हटा लिया गया है. लेकिन घटना वाले इलाके बनभुलपुरा में ये कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी है, जबकि मामले की मैजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश भी दिए गए हैं. सुरेंद्र डसीला के साथ शिवांग मिश्रा, हल्द्वानी, उत्तराखंड, जी मीडिया. तो उत्तराखंड में हुई हल्द्वानी की हिंसा को 2 दिन बीत गए हैं. हिंसा के मास्टरमाइंड को लेकर जी न्यूज ने बड़ा खुलासा किया है. जिस तरह प्रयागराज का कुख्यात भूमाफिया अतीक अहमद जमीनों पर कब्जा जमाता था, लगभग उसी तरह से हल्द्वानी का भूमाफिया भी अवैध संपत्ति को महज 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर खरीदता बेचता था. आपको यूपी के प्रयागराज के सबसे बड़े भूमाफिया अतीक अहमद की याद भी ताजा कराता है. वो तो मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन अब बात हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड की. ये शख्स है अब्दुल मलिक, एक भूमाफिया. हल्द्वानी में मलिक का बगीचा नाम की सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के बाद हुई हिंसा का यही भूमाफिया मास्टरमाइंड है. इसी कड़ी में एक और बड़ा खुलासा आज हम जी न्यूज पर करने जा रहे हैं. हल्द्वानी के बनभुलपुरा इलाके में मौजूद मलिक का बगीचा नाम से जाने जाने वाली कई एकड़ में फैली सरकारी जमीन, जहां पर अवैध निर्माण बने हुए थे, उसी करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक सिर्फ 50 रुपए के स्टाम्प पर बेच रहा था. मलिक का बगीचा वही स्थान है जहाँ पर अवैध मस्जिद और मजार को ध्वस्त करा गया था. यहाँ पर अब देखिए, मोहम्मद तस्लीम नाम के एक व्यक्ति को जमीन बेची गई 14,30,000 रुपए की कीमत पर. ये देखिए, 14,30,000 रुपए में मोहम्मद तस्लीम नाम के व्यक्ति को ये जमीन बेची गई, और कितने? मात्र 50 रुपए के स्टैंप पर, और ये तो सिर्फ एक स्टैंप पेपर है. खास बात ये भी है कि एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों को अब्दुल मलिक ने करोड़ों की कीमत की जमीन मात्र 50 रुपए के स्टैंप पर बेची थी. अब्दुल मलिक और उसके साथियों का सरकारी जमीन को बेचने का सिंडिकेट 2017 के बाद से धड़ल्ले से चल रहा है. 2014 से लेकर 2023 तक की मलिक का बगीचा नाम की इस विवादित सरकारी संपत्ति की सैटेलाइट इमेज से भी इसका खुलासा होता है. जहां 2014 में मलिक का बगीचा नाम की सरकारी संपत्ति बिल्कुल खाली थी, वही 2017 के बाद से यहां अवैध निर्माण किया गया. यहां मकानों के बनने और प्लॉटिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जिसने 2023 तक सरकारी जमीन पर अवैध बसावट की शक्ल ले ली. और हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक सरकारी जमीन के क्रय विक्रय का सारा खेल रच रहा था. स्टाम्प भी मैं कलेक्ट कर पाया था वहां से.
यह एक महिला यहाँ पर दावा कर रही थी, हमें बाउंडी वाल बन रही थी, आधी दीवार बन गई थी, इसको हम तोड़ने जा रहे थे। महिला आती हैं, अपना दावा करती हैं, तो हमने उनसे मांगा कि भाई अपना अभिलेख कुछ तो दीजिए, तो एक स्टाम्प लेके आती देती हैं, उस पर हम उनकी जो संरचना उसको सील करते हैं और फिर इसकी जाँच शुरू करते हैं कि ये हो क्या रहा है। इस खुलासे से पूरी तरह साफ हो जाता है कि अब्दुल मलिक हल्द्वानी में सबसे बड़ा भूमाफिया बन चुका था। अब पुलिस अब्दुल मलिक पर NSA लगाने की तैयारी कर रही है। अब्दुल मलिक जो है उसकी पुलिस तलाश कर रही है, वो भी हमारे केस में नामजद अभियुक्त है। और चूंकि ये जो अवैध निर्माण का कार्य था ये अब्दुल मलिक के द्वारा ही किया गया था, तो अवैध निर्माण का जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई थी उसका सबसे ज़्यादा विरोध उसी के द्वारा किया गया था। हमारी टीम को LIU की रिपोर्ट भी हाथ लगी है, जिसमें कई चौंकाने वाले अहम खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा की आशंका बार बार जताई गई थी। 31 जनवरी से 3 फरवरी के बीच 5 बार प्रशासन को रिपोर्ट दी गई थी। अब्दुल मलिक को नोटिस दिए जाने पर भी रिपोर्ट सौंपी गई। अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही सुबह के समय किए जाने और इलाके में PAC लगाने का भी सुझाव दिया गया। योजनाबद्ध तरीके से महिलाओं और बच्चों को आंदोलन के पहले हिस्से में रखने की भी योजना बनाई गई थी। यानी जैसे जैसे 8 तारीख नजदीक आई, वैसे वैसे हिंसा का मास्टरमाइंड अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए सही मौके की तलाश कर रहा था। पुलिस ने अब तक 18 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया और इसके अलावा 5,000 के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि तमाम लोग वो हैं जो इस पूरी घटना में सीधे तौर पर या तो शामिल थे या भड़काने वालों में शामिल थे, जिनके खिलाफ काफी सबूत मिले हैं। अवैध संपत्ति पर बुलडोजर वाली कार्रवाई पर भी विचार किया जा रहा है। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी हुई खबर यह है कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है और अर्धसैनिक बलों की 4 कंपनियां मांगी हैं। बनभूलपुरा के लिए 4 कंपनियों की मांग की गई है, अर्धसैनिक बलों की 4 कंपनियां मांगी गई हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर यह मांग की है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी को जमकर हिंसा हुई। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पत्थर चलाए गए, लेकिन अब सरकार और प्रशासन ने पत्थरों का जवाब देने की तैयारी कर ली है। दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाएंगे। CM पुष्कर सिंह धामी ने यह भरोसा दिया है कि पत्थरबाजों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि भविष्य के लिए मिसाल बन जाएगी। CM पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर पहुंचकर लोगों का हौसला बढ़ाया और अपना सख्त रवैया अख्तियार कर लिया। पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो पत्थरबाजों को दिन में तारे नजर आने लगे। हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता, ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं है। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। अवैध निर्माण पर होगा बुलडोजर अटैक। उत्तराखंड में चलेगा बाबा का फॉर्मूला। देश जानता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में कैसे सूबे से अवैध कब्जा करने वालों के होश ठिकाने लगा दिए। देश जानता है कैसे उत्तर प्रदेश में योगी ने उपद्रवियों और बदमाशों के होश फाख्ता कर दिए। देश जानता है कि आज की तारीख में गुंडे बदमाशों को सपने में भी बाबा का बुलडोजर याद आता है। वो बुलडोजर जो ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ एक प्रतीक बन गया है, तो भला देवभूमि के उपद्रवी कैसे बच जाएंगे। हल्द्वानी में उपद्रवियों पर भी UP की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार तैयारी कर चुकी है, प्रशासन तैयार है, इसलिए अवैध कब्जा करने वाले सावधान। अब पुष्कर सिंह धामी बाबा का बुलडोजर लेकर आ रहे हैं। Bulldozers will not be used, just for the sake of using bulldozers. हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर करेंगे। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव कैसे होगा? जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर, नजूल की भूमि पर अतिक्रमण किया है, तो उसको पूरे विधिवत तरीके से अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो बुलडोजर के बिना कैसे चलेगा? वो चलाना पड़ेगा।
हल्द्वानी में हिंसा और उपद्रव के बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सभी धार्मिक स्थलों के आसपास पुलिस और पीएससी के जवानों की तैनाती है। सूबे की सीमा से सटे इलाकों में भी पुलिस टीमें तैनात कर दी गई हैं, तो ड्रोन कैमरों से निगरानी भी की जा रही है। पुलिस एक एक सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और लगातार अपनी कार्रवाई को सख्ती से आगे बढ़ा रही है। 18 नामजद, 5000 के खिलाफ मामला दर्ज, 6 करोड़ के नुकसान का अनुमान। NSA UAPA के तहत कार्रवाई, दंगाइयों से नुकसान की वसूली। 7 जोन में बांटा गया बन भूलापुरा, 7 मजिस्ट्रेट तैनात, ADM होंगे नोडल अफसर। हल्द्वानी में फिलहाल तनाव का माहौल बना हुआ है। हालांकि कई इलाकों में कर्फ्यू में छूट दी गई है। पुलिस ने 5000 के खिलाफ केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ प्रशासन, NSA और UAPA के तहत कार्रवाई की तैयारी कर चुकी है। गौर से देखिए इस चेहरे को, सिर पर टोपी, चेहरे पर सफेद दाढ़ी। नाम अब्दुल मलिक, वो शख्स जो हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड है, वो शख्स जिसके इशारे पर हल्द्वानी को आग में झोंक दिया गया। पुलिस की जांच में ये सामने आ चुका है कि अब्दुल मलिक ही वो शख्स है जिसके इशारे पर इस हिंसा को अंजाम दिया गया। अब्दुल और उसका बेटा पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, जबकि पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता के भाई को भी हल्द्वानी हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको एक बार फिर बता दें कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बन भूलपुरा में अवैध मदरसा और मस्जिद को हटाने को लेकर उपद्रवियों ने हिंसा को अंजाम दिया। उपद्रवियों की हिंसा की आग में झुलसे हल्द्वानी से फिलहाल कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन घटना वाले इलाके बन भूलपुरा में ये कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी है, जबकि मामले की मैजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश भी दिए गए हैं। सुरेंद्र डसीला के साथ शिवांग मिश्रा, हल्द्वानी, उत्तराखंड, जी मीडिया। तो उत्तराखंड में हुई हल्द्वानी की हिंसा को 2 दिन बीत गए हैं। हिंसा के मास्टरमाइंड को लेकर जी न्यूज ने बड़ा खुलासा किया है। जिस तरह प्रयागराज का कुख्यात भूमाफिया अतीक अहमद जमीनों पर कब्जा जमाता था, लगभग उसी तरह से हल्द्वानी का भूमाफिया भी अवैध संपत्ति को महज 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर खरीदता बेचता था। आपको यूपी के प्रयागराज के सबसे बड़े भूमाफिया अतीक अहमद की याद भी ताजा कराता है। वो तो मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन अब बात हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड की। ये शख्स है अब्दुल मलिक, एक भूमाफिया। हल्द्वानी में मलिक का बगीचा नाम की सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के बाद हुई हिंसा का यही भूमाफिया मास्टरमाइंड है। इसी कड़ी में एक और बड़ा खुलासा आज हम जी न्यूज पर करने जा रहे हैं। हल्द्वानी